हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट डीजीटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसी नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो है आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन न रहे। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हो पहले मिल पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि इस लेटर में क्या है। देखिए, यह डीजीटी का जो है लेटर है और यह लेटर आपको जो है 22 जून के डेट में जो है जारी किया गया है। और इस लेटर में देखिए क्या क्या है। यह लेटर जो है हर एक स्टेट डायरेक्टर को दिया गया है। पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो है आईटीआई जो भी चल रहा है उसमें सारा डीजीटी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो यह सभी स्टेट डायरेक्टर को दिया गया लेटर है, तो सभी स्टेट के लिए जो है यह नियम लागू होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। तो देखिए, सब्जेक्ट दिया हुआ है पहले कि डीजीटी शेड्यूल ऑफ एआईटीटी 2022 एग्जामिनेशन इन अगस्त 2022 फॉर सेशन 2021-22 क्रिएशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ हॉल टिकट जनरेशन। इसमें जो ये नोटिस दिया गया है यह जो है आपका अगस्त में जो दो एग्ज़ाम होने वाला है आपका एआईटीटी अगस्त 2022, इस एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल के बारे में इसमें बताया गया है कि यह एग्ज़ाम जो है आपका इस अगस्त महीने में जो एग्ज़ाम होगा वह किस किस सेशन के छात्रों का एग्ज़ाम होगा और उसके लिए हॉल टिकट जनरेशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्या चीज़ करना है, आपको एग्ज़ाम फी जमा करना है, आपको फॉर्म भरना है, आपको जो है कितना अटेंडेंस है, कितना आपका सेशनल मार्क्स है, ये सारे चीज़ जो है पोर्टल पर लोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस के बारे में जो है इसमें बताया गया है और तभी जो है आपका हॉल टिकट जनरेट होगा। तो हॉल टिकट जनरेट होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उन सारे चीज़ के बारे में जो है इसमें बताया गया है। CBT एग्ज़ाम जो है नए पैटर्न से होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी से कितना रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितना रहेगा, WCS से कितना रहेगा, ED से कितना रहेगा और कितने टाइम का एग्ज़ाम होगा, सारे चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है जानकारी है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि जो है सारे चीज़ जो है आपको समझ में आए। तो देखिए, पहले हम जो हॉल टिकट जनरेशन का प्रोसेस है पहले वो बताते हैं। सबसे पहले यह जानकारी ले लीजिए कि इसमें जो है किस किस सेशन के लिए जो है यह रूल लागू होगा और किस सेशन का जो है यह सारा प्रोसेस करना है। तो देखिए, यहाँ पर में दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में आपका दिया हुआ है सेकेंड ईयर जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा, फर्स्ट ईयर जो 2021-23 के हैं उनके लिए है, और जो वन ईयर कोर्सेज में है या सिक्स मंथ का है वो 2021-22 सेशन का, इन तीनों सेशन के लिए जो है छात्रों के लिए जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है यह सारा प्रोसेस होगा। अभी सप्लीमेंट्री के लिए जो है प्रोसेस नहीं दिया गया है, जो एक्स स्टूडेंट है उनके लिए प्रोसेस नहीं दिया गया है, ये जो है केवल रेगुलर के लिए है। तो इन सारे स्टूडेंट्स का जो है प्रोसेस करना है। ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन फॉर हॉल टिकट जनरेशन, हॉल टिकट जनरेशन के लिए जो है ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन का जो है एक प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। ये जो है पहले से सिस्टम नहीं था, ये नया सिस्टम दिया गया है क्योंकि बहुत सारा ऐसा शिकायत आता था कि एडमिट कार्ड जनरेट हो जाता था और उसमें जो है फोटो नहीं है किसी स्टूडेंट्स का, किसी का कुछ गलत है, तो इस तरह का समस्या बहुत होता था। तो इसको दूर करने के लिए जो है इस प्रकार का नया डिसीजन लिया गया है और अब जो है आपको हॉल टिकट जनरेट होने से पहले जो है आपको खुद से जो है वेरिफिकेशन ये करना पड़ेगा। तो यह वेरिफिकेशन जो है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए यहाँ पर में दिया गया है कि ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन लिंक एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर में जाना है आपको और उसमें ट्रेनी सेक्शन में जाना है और ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर हॉल टिकट इस प्रकार का जो है वहाँ पर में लिंक रहेगा और उस लिंक पर में जा करके आपको क्लिक करके अपना जो है सारा डाटा डालना है, डाल करके आपका जो है खुलेगा और उसमें आपको देखना है, चेक करना है कि आपका सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो फिर आपको कुछ आगे जो है करने की आवश्यकता नहीं है और अगर कुछ उसमें गलती है तो आपको फिर जो है ग्रीवांस करना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा कि हाँ हमको जो चीज़ गलत है वो ग्रीवांस कीजिएगा, ग्रीवांस करने के बाद आपका जो है उसका सही किया जाएगा, फिर आपका जो है हॉल टिकट जनरेट होगा। तो यह एक प्रोसेस करना है। देखिए, इसमें CBT एग्ज़ाम का जो है क्या पैटर्न होगा, जो पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया गया था, पूर्व में ही इसका जो है जारी किया गया था, डीजीटी के द्वारा जो है एक मीटिंग में डिसीजन लिया गया था कि एग्ज़ाम जो है अब दो ही पेपर होगा, एक एग्ज़ाम जो है आपका प्रैक्टिकल का होगा और दूसरा जो है CBT का होगा। तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आपका अपने इंस्टीट्यूट में ही होता है और CBT के लिए जो है अलग सेंटर रहता है। तो CBT एग्ज़ाम जो होगा उस CBT एग्ज़ाम में कौन कौन सा पेपर से एग्ज़ाम होगा और कितना क्वेश्चन रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा, ये सारा चीज़ जो है इसमें देखिए बताया गया है। तो इसमें देखिए आपका सबसे मेन चीज़ ये बताया गया है कि आपका यह एग्ज़ाम जो है CBT यह 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 2 आवर्स का यह जो है एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का यह एग्ज़ाम होगा और यह एग्ज़ाम जो है 2 घंटे में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, तो 75 क्वेश्चन, तो टोटल आपको 2 घंटे में जो है 75 क्वेश्चन बनाना है,
इस 75 क्वेश्चन में से आपको देखिए मार्क्स कितना रहेगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका जो है 2 मार्क्स रहेगा, यानी कि 75 × 2 बराबर 150 मार्क्स। ये 150 मार्क्स का जो है आपका CVT एग्ज़ाम होगा। और 150 मार्क्स में जो है आपका इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो ट्रेड थ्योरी रहेगा, वर्कशॉप साइंस रहेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। ITI में जितने भी ट्रेड है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक कहलाता है आपका इंजीनियरिंग ट्रेड और एक कहलाता है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में जो है जो हमारा इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मोल्डर, कारपेंटर, शीट मेटल, ये सब जितना भी हमारा ट्रेड्स है ये सारा जो है हमारा इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। तो इसके लिए आपको देखिए इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको 100 मार्क्स का जो है ट्रेड थ्योरी रहेगा और 50 मार्क्स का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा, जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी में जो है 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 38 क्वेश्चन, और यह जो है आपका 76 मार्क्स का होगा। WCS में जो है आपका 6 क्वेश्चन रहेगा और यह 12 मार्क्स का रहेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी जो है आपको 6 क्वेश्चन रहेगा और 12 मार्क्स का रहेगा, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से जो है 25 क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब हो गया आपको 38 क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी से, 6 क्वेश्चन जो है WCS से और 6 क्वेश्चन जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तो कुल मिलाकर के आपको जो है ये 50 क्वेश्चन हो गया और 25 क्वेश्चन जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा। तो मिलाकर के टोटल जो है आपका ये 75 क्वेश्चन हो गया और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर का रहेगा, तो यह 150 मार्क्स का जो है आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। तो CVT एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, और इसमें जो है आपको चारों पेपर से जो है क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका थ्योरी से 38 क्वेश्चन, WCS से 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। ये जो है आपका CVT एग्ज़ाम का जो है नया पैटर्न होगा। ये आपको इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए है। अब जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए जो है अलग रूल दिया गया है। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में जो है आपका यह भी जो है 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें जो है 50 क्वेश्चन आपका जो है थ्योरी से रहेगा और 25 क्वेश्चन आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा। तो कुल जो है आपका यहाँ पर भी जो है 75 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें भी जो है आपका 2 नंबर का 1 क्वेश्चन है, तो 150 मार्क्स का जो है यह भी एग्ज़ाम होगा। हाँ, इसमें आपको जो है WCS नहीं पढ़ना रहता है, आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ना रहता है, तो टोटल जो है 50 क्वेश्चन आपका जो है केवल थ्योरी से ही रहेगा। ये जो है नॉन इंजीनियरिंग के लिए है। तो जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के स्टूडेंट्स होंगे वो उनको ये फॉलो करना है, और जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स के हैं उनको जो है जो ऊपर वाला अभी बताए हैं वो फॉलो करना। इसके बाद देखिए इसमें जो है CVT फी के लिए जो है कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है कि CVT फी, पहले जैसे CVT एग्ज़ाम फी जो है आप लोग 376 रुपया जमा करते थे और उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह होगा वो लगता हो, अब जो है नए सिस्टम में जो है आपका यह देखिए 213 रुपया एग्ज़ाम फी दिया गया है। तो अब जो है 376 रुपया को घटा करके 213 रुपया कर दिया गया है, और 213 रुपया लगेगा और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और एक ही पेपर होगा। पहले 2 दिन एग्ज़ाम होता था, 2 पेपर हो जाता था, इसलिए जो है 376 लगता था, अब एक ही पेपर होगा इसलिए इसको एग्ज़ाम फी कम कर दिया गया है और 213 रुपया ही आपका एग्ज़ाम फी लगेगा, और इसमें जो है कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह होगा तो वो लग सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।